तो देखिए यहाँ पे अभी 0-0 हो चुका है और यहाँ पे देखिए अभी इसमें 43-44। नमस्कार किसान भाइयों, तो देखिए आज यहाँ पे जो हमारा स्वराज 744XT है 4-स्टार में, ये रिवर्स PTO के साथ में आता है और ये 49.38 हॉर्स पावर का है और ये जो 5-स्टार में आता है वो 52 हॉर्स पावर का है। तो आज इसका हम जो यहाँ पे डीजल की जो टैंक है वो देखेंगे, इसमें कितना डीजल आता है, बिल्कुल इसको हम यहाँ से खाली करके और फिर आपको फुल भरवाएंगे, तो वो देखेंगे इसमें कितना डीजल आता है। तो आइए अभी जो इसमें डीजल है वो हम यहाँ पे एक कटिया में निकालेंगे और फिर उसमें डालते हैं। तो देखिए यहाँ से अभी हम जो तेल निकालेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पे कोई इस मोबाइल को पकड़ने के लिए नहीं है, तो अकेले हैं हम, तो इसलिए हम इसको जल्दी से खोल दे रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए बंद करते हैं, इसे रोक रहे हैं हम इसे। तो देखिए अभी इसका जो तेल है वो निकाल रहे हैं, कितना है इसके अंदर। फिर इसमें जो डीजल है वो डलवाएंगे, कितना बनता है इसकी जो डीजल की जो टंकी है कितने लीटर की है वो आज इसकी सामने आ जाएगी। और इसके बाद में हम एक और वीडियो जो इसका टंक एवरेज नापेंगे, एक कितने किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, तो वो भी आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो चलो चलने दे रहे हैं, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। हमने बहुत प्रकार के वीडियो डाले हैं किसान ही, तो आप वहाँ पे जाके देखें, थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको नए नई जानकारियाँ आपको लाती रहें, तो हमारा सपोर्ट करती रहें। तो देखिए यहाँ पे अभी बिल्कुल खाली हो चुका है और इसमें अब बिल्कुल भी डीजल नहीं है, तो हम इसको बंद करके अब इसमें जो डीजल है वो डलवाएंगे, कितने लीटर डीजल आता है, तो अब हम इसको बंद करते हैं। तो देखिए अब हम इसको इसको हमने कस दिया है और ये हमारा इतना डीजल इसके अंदर था। तो इसके बाद में हम एक और वीडियो डालेंगे, उसे आप ज़रूर देखना कि इसका जो एवरेज है वो कितना है खाली में और रोड पर। खाली है इसमें, इसके साथ में देखिए हम ट्रॉली लगाए हुए हैं वो भी खाली है और ये हाईवे है, इस पर कोई रोकने का वो काम नहीं है सीधा। और इसमें जो देखिए एक और कटिया है हमारे पास, उसमें हम आधा 1 लीटर अलग से लेंगे, तो जो 6-10 किलोमीटर चलने के बाद वो डालेंगे इसमें, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो आइए अब हम यहाँ पे हम इसमें डीजल डलाने के लिए चलते हैं। तो देखिए अभी जो हमने इसकी टंकी बिल्कुल खाली कर दी है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना डीजल बनता है, इसकी फुल टंकी भराएंगे, लगाओ। तो देखिए जो अभी यहाँ पे हमने तो इसकी फुल टंकी करेंगे, इसमें कितना डीजल आता है, तो वो आज इसकी क्लियर हो जाएगी कंपनी जो इसका डीजल का टैंक देती है वो कितने लीटर का देती है। और इसके बाद जो हम इसका रोड का जो माइलेज है वो भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी
0-0 हो चुका है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया है कार। पकड़ रहे बाको नहीं पकड़ रहे लो ऐसे नहीं डायरेक्ट खड़े आओ जालंग खड़े आओ खड़े आओ तो फंसी हो देखिए अभी कितनी तेजी से 33-34 मीटर आ चुका है 33 तो आज इसकी हिला हिला के बिल्कुल टंकी भरी हुई बार फंस गए देखिए अभी इसमें 43-44 अनुज तुम चला रहे नूडल तुम हमारे पास में आओ थोड़ी ठीक है ये डालने के बाद आओ देखिए अभी 48 हो चुका है और इसको अब भरने पे आ गई है इसे थोड़ा सा हलाएंगे हम रुकिए हलाएंगे हम तो देखिए इसको हम हला के बिल्कुल भर गई तो देखिए इसकी पूरी भर चुकी है यहाँ पे 49 लीटर 4480 देखिए 49 लीटर हो चुका है किस प्रकार से भर चुकी है टंकी तो 49 लीटर की है ये यहाँ पे 1 लीटर कम की है ये इसमें चाय इतनी हला 1 लीटर इसका जो फिल्टर है वो भी हमने खाली कर दिया था तो उसमें भी चला गया है तो देखिए अब इसका हम थोड़ा तो ये 49 लीटर में भर जाती है।